कुख्यात अपराधी बाबा फरीहस सहित 9 अपराधियों को देवघर पुलिस ने गिरफ्तार किया। देवघर के बहुचर्चित एवं कुख्यात अपराधी बाबा परिहस्त उर्फ जितेंद्र कुमार सहित 9 अपराधियों को देवघर पुलिस ने गिरफ्तार कर शनिवार को स्वास्थ्य जांच के पश्चात न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पप्पू ठाकर गोलीकांड का उद्भेदन होने की जानकारी SP सुभाष चंद्र जाट ने अपने कार्यालय में दिया। उन्होंने बताया कि कुख्यात अपराधी जितेंद्र कुमार उर्फ बाबा परिहस्त, राहुल मिश्रा उर्फ बिट्टू, अंकित कुमार झा उर्फ ब्रूसुली, अभिषेक भरद्वाज, ऋतिक सिंह, आशुतोष कुमार देव, जितेंद्र कुमार एवं अमन सागर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गिरफ्तार सभी के पास से एक लोटेड देसी पिस्तौल 7.65 बोर का, जिसमें एक जिंदा कारतूस लोड किया हुआ है, एक अवैध देसी लोडेड कट्टा जिसमें 3.15 का जिंदा कारतूस, 3.15 बोर का जिंदा कारतूस जिसके फेंदे पर BMMKF लिखा हुआ बरामद किया, एक चार पहिया वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या GH15Z6767 एवं मोबाइल 7.65 mm का एक देसी पिस्टल मैगजीन सहित एक देसी सिक्सर, एक पिटल का डमी गन 9 mm का, 4 जिंदा कारतूस, 7.65 mm का एक जिंदा कारतूस तथा एक स्टाइल का मैगजीन इत्यादि बरामद की गई है। SP ने बताया कि 8 नवंबर को कुंडा थाना क्षेत्र के कर्णकोल पुल स्थित न्यू दिल मांगे मोड़ ढाबा व खटाल मालिक पप्पू ठाकुर भी बाबा गिरोह के सक्रिय सदस्य रह चुका है। बाबा के मैनेजमेंट सिस्टम को पप्पू ठाकुर ने दिखाता था। इसी दौरान वसूली की गई रंगदारी का पैसा एवं जमीन जायदाद कारोबारी के दौरान मिला रकम का हिस्सा सही से नहीं मिल पाने के कारण बाबा परिहस अपने गुर्गे राहुल मिश्रा, छोटू धपरा, अभिषेक भरद्वाज के अलावा अन्य सहयोगी से पप्पू ठाकुर पर जानलेवा हमला करने के नियत से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर लगा CCTV कैमरा के माध्यम से आरोपी युवक की पहचान की गई थी, जिसमें 2 युवक की गिरफ्तारी सर्वप्रथम हुई, उसके माध्यम से लिंक मिलते गया और छापेमारी होते रहे, जिसमें 3 व्यक्ति को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया, वहीं एक अपराधी को बिहार के आरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं गैंग के मास्टरमाइंड बाबा परिहस्त, राहुल मिश्रा, छोटू को बंगाल मेथन टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर लिया है। 8 नवंबर को सुबह लगभग 7 बजे के आसपास कुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कर्णकोल पुल है, वहाँ पे एक ज़मीन कारोबारी है पप्पू ठाकुर, उसका खटाल है और एक ढाबा भी है उसी जगह पे, दिल मांगे मोर। उस ढाबा पे कुछ अपराधियों के द्वारा गोली चलाई गई थी। पप्पू ठाकुर उस समय वहाँ प्रेजेंट था और वो अपनी जान बचा के भागा था। इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को पता चला कि पप्पू ठाकुर पूर्व में बाबा परिहस्त गिरोह के साथ काम करता था और उसका कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखता था। उसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ पैसे की हेराफेरी हुई थी। ये पूर्व का रीजन था और तत्कालिक रीजन था कि एक ज़मीन पे वो लोग काम कर रहे थे, इन द सेंस की बाउंड्री वॉल वगैरह, और वो एक मिडल मैन के रूप में था ज़मीन बिकवाने के लिए। उसमें ये लोग रंगदारी मांग रहे थे और ये रंगदारी दे नहीं रहा था, तो ये तत्कालिक कारण था। उसको लेके फिर फायरिंग हुई थी, तो फायरिंग में जो लोग CCTV फुटेज के आधार पे शिनाख्त जिनकी दी गई थी, उनका नाम है अभिषेक भारद्वाज, ऋतिक सिंह, आशुतोष कुमार देव, छोटू धपरा और राहुल मिश्रा। पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और सबसे पहले 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इसमें पहले उनको डिटेल किया, जब उनकी शिनाख्त हो गई फिर उनकी गिरफ्तारी की गई, और गिरफ्तारी के बाद इंटरोगेशन के बाद ये पूरी चीज़ सामने आई कि इसमें मुख्य रूप से बाबा गिरोह है और बाबा गिरोह के जो सदस्य हैं वो लोग इसमें शामिल, और शूटर की जो भूमिका है वो वहाँ जाके फायरिंग करके दहशत फैलाने की है। हम लोगों को फिर आसूचना मिली देवघर पुलिस को कि बाबा परिहस बिहार में कहीं छुपा हुआ है और एक जो फायरर है उसके साथ में वो है, जिसका नाम है राहुल मिश्रा। देवघर पुलिस ने लगातार उसमें छापामारी की, इसमें बिहार पुलिस का काफ़ी सहयोग रहा, धनबाद पुलिस का बहुत सहयोग रहा, रामगढ़ पुलिस का सहयोग रहा, गिरिडीह पुलिस का सहयोग रहा, पश्चिम बंगाल पुलिस का,
और कोलकाता पुलिस का सहयोग रहा और फाइनली उसको धनबाद से अपनी एक थार जीप में वो भाग रहा था, उस थार जीप को डिटेन करके उसको गिरफ्तार किया गया। उसमें से तीन लोग निकले, एक स्वयं के जो गैंगस्टर है बाबा प्रियस वो, दूसरा जो गोली चलाने वाला है राहुल मिश्रा, और तीसरा उसी की गैंग का एक मेम्बर है अंकित झा, और एक और आदमी जो उनको हार्बर करता है, जो उनको शेल्टर देता है। जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो कोलकाता से जो लोग पकड़े थे उन लोगों ने फायरिंग किए हुए हथियार को एक बिटनपुरी नाम का व्यक्ति जो कि पूर्व में उनसे एसोसिएटेड रहा है, अभी भी एसोसिएट है, उसके घर पे उन लोगों ने फायरिंग करके हथियार छुपाए थे। और बाबा गिरोह ने भी अपने हथियार दूसरी जगह पे बाबा परियस्त और राहुल मिश्रा ने छुपाए हुए थे। ये सावन के टाइम पे शिवगंगा में ये लोग एक टॉयलेट पे कब्जा किया था, इस तरह की बात सामने आई थी, उसका इंटरोगेशन भी हम लोग कर ही रहे थे, तो वहीं से फिर इनकी निशानदेही पे हथियार बरामद हुए हैं। इस प्रकार कुल हम लोगों के पास में 5 अवैध हथियार और एक डमी हथियार बरामद हुआ है। इसके अलावा मोटरसाइकिल, थार जीप और ये सब हैं। डिटेल्स हमें दी।